आप सब लोग सौरभ जोशी को अनफॉलो करो, उसके हम उसके घर आए हैं यहाँ इसकी कॉलोनी में, हम उसको बोल रहे हैं कि क्या बोलते। फ्रेंड्स, अभी स्टार्टिंग में आपने एक छोटी सी वीडियो क्लिप देखी होगी, इस क्लिप को अभी मैं आपको आगे भी पूरा दिखाने वाला हूँ। और इस छोटी सी क्लिप में कहा जा रहा है कि सौरभ जोशी जो ब्लॉग है उनके चैनल को अनसब्सक्राइब करो, क्यों? क्योंकि वो अपने सब्सक्राइबर से नहीं मिले। पर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस वीडियो को बहुत ज़्यादा वायरल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सौरभ जोशी ब्लॉग उनको अनसब्सक्राइब करो क्योंकि वो अपने फैंस से नहीं मिलते। पर यहाँ पे जो है छोटे से बच्चे दिखाई दे रहे हैं, पर उनकी गलती नहीं है, पर कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको फ्रंट में रख के अपने चैनल पर वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और सिर्फ व्यू ले रहे हैं। पहले आप इस क्लिप को जो है पूरा देखिए, उसके बाद बात करते हैं कि भाई इस दुनिया में हर किसी को खुश रखना क्या पॉसिबल है, इसके बाद बात करते हैं। फ्रेंड्स, लोग सौरभ जोशी को अनफॉलो करो, उसके हम उसके घर आए हैं यहाँ इसकी कॉलोनी में, हम उसको बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं, हम आपसे मिलने आए हैं, पर वो अपने घर का ना गेट खोल रहा है ना वो आ रहे हैं हमसे मिलने। उसके पापा बोल रहे हैं तुम लोग किडनैपर हो। ओके, अरे बच्चे बहुत फैन है उनके, सौरभ जोशी और पीयूष के। कोई नहीं, वीडियो कॉल कर करके पूछ रहे क्या आए क्या सौरभ जोशी। फोन कर लिए थे शाम के टाइम पे ना, शाम के टाइम पे तो मिल लेते हैं, सुबह 12-1 बजे तो उठते हैं, उससे पहले हम जाए किसी को नहीं मिलाते। उसके बाद आज उसकी इधर तबीयत ठीक नहीं है, बुखार आ रहा है, उसने एडिटिंग भी वो नहीं करी है, आज उसका ब्लॉग भी शायद नहीं आएगा। ओके, हम एक्चुअली हम कर्नाटक से आए थे, वो बहुत दूर से आए थे कोई। अच्छा, फिर हाँ, तो यहीं रहे भी। हाँ, और बहुत दिनों तक नहीं मिल पाए वो। हाँ, आपका किरदार कैसा था वो बताओ ना। किरदार में था तो फिर आपने क्या कहा जाके? फिर कैसे? मैं अंदर गया। हाँ, मैंने कहा सर अभी सर बोल रहे हो यार। अरे भाई, सब घर में हो? मिलेंगे घर में, घर पे ही है। हमको सब अनफॉलो करना है, अनसब्सक्राइब करना है, पूरा रोस्ट करेंगे YouTube चैनल को, सिस्टम हिला दूंगा, स्पैम मारो सब लोग मिलके इनके चैनल को, अनसब्सक्राइब कर दो गाइस, अनसब्सक्राइब कर दो बढ़िया करके सब लोग, एक्सपोज इट, कॉपीराइट, गार्ड अंकल से भी पूछ लो हम इनके साथ। भैया मैं को क्या पता, मुझे इतना पता नहीं है क्या है मामला, हाल तो कॉपीराइट क्लेम मार दो। उनके पापा ने भी कह दिया कि वो लोग घर से बाहर नहीं आएंगे, उनको भगा दो यहां से। और क्या कहते हैं, हम इनके सब्सक्राइबर हैं, हमने इन्हें बनाया और ये हमसे ही मिलने नहीं आ रहे। इतने सारे यहाँ पे बच्चे हुए छोटे छोटे, बहुत सारे बच्चे आके वापस भी चले गए और उन्होंने बोला था कि हम 5 बजे आएंगे। आज तीसरी बार आ रहे हैं, तीसरी बार आ रहे हैं, अभी तक नहीं मिले। कुछ लोगों को तो उनके पापा ने बोला है किडनैपर आए हैं, मतलब छोटे छोटे बच्चों को किडनैपर बोला है, हमें किडनैपर बोला उनके पापा। तो सभी लोग क्या करेंगे? और ये व्लॉग को सब अपने दोस्तों में सब में फैला देना, सब वायरल होना चाहिए, ये वीडियो वायरल होनी चाहिए। जोशी का ये है। फ्रेंड्स, तो अभी आपने जो है क्लिप देख ली होगी, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करते हैं कि भाई सौरभ जोशी जो है नंबर 1 ब्लॉगर हैं अभी इंडिया में, पर उनके बहुत सारे यहाँ पे फ़ैन हैं और अपने हर वीडियो में वो ये कहते हैं कि भाई उनके सोसाइटी में भाई मत आया करो क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम होती है, और जब भी वो आते हैं तो जितना हो सके उनसे मिलते हैं। आप उनकी वीडियो में आपने देखा भी हो, दिखाते हुए कि मिलते हैं, पर ये जो क्लिप आप मैंने देखी उसमें उनके फादर, उनके ग्रैंडफादर, उनके पापा, दादाजी, हर किसी को पूछा जाता है कि भाई सौरभ जोशी अपने फैन से नहीं मिलते, जबकि वो खुद बोल रहे कि भाई आज सर ब्लॉग भी नहीं आ सकता, बहुत लेट तक एडिट करते हैं। पर वहाँ पे उनके सिक्योरिटी गार्ड से भी पूछा जाता है भाई ये है वो है, कि जानबूझ के अगर कोई बंदा आपसे नहीं मिल पा रहा है किसी भी रीजन की वजह से, अगर आपसे कोई नहीं मिल पा रहा है तो हो क्या रहा है कि भाई उसके लिए जो है नेगेटिविटी यहाँ पे फैलाई जा रही है और बोला जा रहा है कि अनसब्सक्राइब करो, तो ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। फ्रेंड्स, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई बंदा बड़ा बन चुका है तो आपसे मिले। अगर आप यहाँ पे अक्षय कुमार, सलमान खान इनकी मूवीज़ देखते हो तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो अपने हर फैन से मिले या फिर हर रोज़ आए और आपसे मिले, एक टाइम रख ले 5 बजे आना मिले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। जब भी कोशिश होती है उनकी कि मिल लेते हैं, ये एक पॉजिटिव चीज़ है, ये एक हमारे डेली लाइफ में भी यूज होता है कि अगर आप कभी भी सक्सेसफुल हो जाते तो ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि हर पॉसिबल नहीं हो पाता है कि अगर आप एक सक्सेसफुल क्रिएटर बन चुके तो हर दिन आपसे कोई ना कोई मिलने ज़रूर आएगा। शायद आप मिलने आए हो अगर सौरभ जोशी ब्लॉग से तो आप फर्स्ट होंगे, पर आपके जाने के बाद भी बहुत सारे ऐसे उनके फैंस होंगे जो उनसे मिलने आएंगे, पर ये पॉसिबल नहीं होगा कि हर बार वो आपसे मिले। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि यहाँ पे किसी से मिलने से पहले अगर कोई सक्सेसफुल हो जाता है, या फिर आप खुद सोचिए अगर आपसे कोई दिन में एक बार मिलने आएगा
तो आप उससे ज़रूर मिलोगे, पर आपके जाने के बाद एक घंटे बाद कोई दूसरा आए, फिर दो घंटे बाद कोई दूसरा आए, तो आप इतने सन्नों से नहीं मिल पाएंगे। तो ये जो चीज़ है हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल पर पहले बार आए तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिए।